subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT केमिस्ट्री क्लास प्लस वन क्लास प्लस टू में। और हमारा जो आजकल चैप्टर चल रहा है वो है हमारे पास क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 की दो वीडियोस हम डाल चुके हैं। और चैप्टर नंबर 3 क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने कल पढ़ लिया था कि जो हमारे पास हिस्ट्री थी वो किस तरह की थी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पास पीरियडिक टेबल था। अगर आपको याद हो तो हमने पीरियडिक टेबल को दिखाया भी था आपको, जो कि कुछ इस तरह का था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स आए थे, तो इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। जो भी पीरियडिक टेबल को याद करने की ट्रिक है हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, क्योंकि अभी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आपके लिए केवल यही लाए हैं जो कि है आपके पास डिवीज़न ऑफ एलिमेंट इनटू SPDF, उनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, S क्या होता है, P क्या होता है, D ब्लॉक आपके पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे S ब्लॉक के बारे में। ओके, किसके बारे में, S ब्लॉक के बारे में, कि एस ब्लॉक क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस ब्लॉक कौन से हैं हमारे पास। ओके, ये रहे आपके पास एस ब्लॉक जो आपके पास फर्स्ट है सारे के सारे। अब इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इनकी डेफिनेशन है कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द एस ऑर्बिटल ऑन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। यानी इन सभी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो कहाँ होगा, एस में। कैसे, इसमें 1s में, इसमें 2s में, इसमें 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। ओके, 7 एनर्जी लेवल है हमारे पास, तो सारे के सारे जो हैं s में ही एंटर होंगे, इसीलिए इन्हें कहा गया है s ऑर्बिटल। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s के अंदर एंटर होगा। जो आपके पास फर्स्ट होगा वो आपके पास किस में एंटर होगा, वो होगा जैसे मान लीजिए 1s1 हो गया, ये आपके पास 2s1 होगा, ये 3s1 होगा। ओके, और जो इसका नेक्स्ट वाला है, जैसे आपके पास बेरिलियम है तो इसमें आपके पास 2s, सॉरी इसी के अंदर जाएगा मैं, लेकिन आपके लिए लिखता हूँ ये इस तरह होगा, ये आपके पास इस तरह से होगा। नेक्स्ट 4s2, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर आपके पास एंटर होगा। ओके, अब जो आपके पास फर्स्ट है इन्हें क्या कहा जाता है, जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। ओके, कहा जाता है अल्कली मेटल्स। और जो आपके पास सेकंड ग्रुप है इसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। ओके, और जो आपके पास नेक्स्ट है इन्हें कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ से मिलते हैं। अब जो एस ब्लॉक है उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है NS1-2। एन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल शेल, एस रिप्रेजेंट इट्स ऑर्बिटल या इट्स शेल। ओके, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर होगा, एस में। और जो आपके पास उसकी बनेगी, या आपके पास NS1 होगी या NS2 होगी, तो ये आपके पास ये इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, यानी जितने भी आपके पास फर्स्ट ऑर्बिटल हैं इनमें बैलेंस सेल में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सभी में 1 होंगे। ओके, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे इसमें, और इसमें आपके पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब थोड़ी सी जर्नल प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक की, जो कि हर टाइम पूछी जाती है आपके पास, जर्नल प्रॉपर्टीज। अब देखना आप कितनी टर्म आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। ओके, इनको आप याद रख सकते हो, हे लीना की रब से फरियाद। ओके, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी और हे लीना की रब से फरियाद। ओके, इस तरह से आप इन्हें याद भी रख सकते हो। अब इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट आपके पास आती है कि जो आपके पास ये सारे के सारे जो होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब जितने भी आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये जो है आपके पास इनका, यानी दे आर
सॉफ्ट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो है आपके पास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये आ गई इनकी, इनका जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इनके इजी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इट मीन ब्रेक हो जाएंगे। ओके, सेकंड हमारे पास आएगा, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी हमने नहीं पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मगर हम आपको जल्दी ही ये भी बताएंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है? आपके पास एनर्जी है। अब एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? आयंस, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम। ओके, यानी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी यूज करने पड़ेगी वो आपके पास होगी आयंस। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, दे आर वेरी रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट आ गई वेरी रिएक्टिव। अब जो आपके पास अल्कली मेटल होंगे, अल्कली मेटल ये आपके पास क्या होंगे? ये आपके पास होते हैं यूनिवेलेंट। ओके, एक वैलेंसी वाले। और जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये आपके पास होते हैं बायोवेलेंट, यानी इनके पास दो वैलेंसी होगी। ओके, आपके पास एक और टर्म आ गई, वेरी रिएक्टिव, यूनिवेलेंट एंड बायोवेलेंट एस ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ पॉइंट, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके, या हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में, यानी दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे उनकी खुद रिडक्शन होती है। ओके, यह है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हेल्प करते हैं रिडक्शन में। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरियम। ये क्या बनाते हैं आपके पास? आयनिक, आयनिक कंपाउंड्स। ओके, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स किनके अलावा? लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो है सारे के सारे जो है आपके पास आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो गाइस, ये आपके पास पूरी की पूरी पी ब्लॉक के बारे में जितनी भी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली। एस ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक, सॉरी, एस ब्लॉक में जो आपके पास अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ओके, उसके बाद इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आपके पास होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वेरी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं या अल्कली और अल्कलाइन। ओके, अल्कली मेटल जो आपके पास यूनिवेलेंट हैं, यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आता है। यहाँ पर आपके पास बायोवेलेंट है, दो उसके ऊपर चार्ज आएंगे। ओके, दो टर्म्स यहाँ से हो गई। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी हेल्प करते हैं किस चीज़ में? रिडक्शन में। तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। एंड नेक्स्ट है आपके पास ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कौन कौन? लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के बाकी जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पी ब्लॉक। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसीलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको थोड़ी देर के बाद देते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।